अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रहमान राणा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शोबिज़ गपशप। आज जो हस्ती इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। एक लंबा अरसा उन्होंने शोबिज़ की बीट की है और इसके साथ साथ उन्होंने पीटीवी पे अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं, रेडियो में अपनी आवाज़ का जादू जगाया है और अखबारों में उनकी सतरें आप पढ़ पढ़ के शोबिज़ के हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं बीट के उनके रहनुमाई लेते रहे हैं, हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खालिद इब्राहिम खान, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खान साहब, ये बताइएगा कि एक बड़ा ही मामला आपका मशहूर है कि पैदाइश आपकी जो है इंडिया में हुई, कब आए पाकिस्तान, कब पैदा हुए और कैसे आए पाकिस्तान, ये ज़रा जो नाज़रीन नहीं जानते उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक अब आपने ये पहला सवाल किया है कि आपकी पैदाइश इंडिया की है और आप कब आए, क्या हुआ, ये तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि इसको अब याद करते हुए भी अब सोचना पड़ता है कभी कभी। बिल्कुल ठीक है। मेरी पैदाइश है 1956 की। अच्छा, माशाल्लाह। 1956 में मैं रामपुर में पैदा हुआ था, इंडिया का उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत हुआ करती थी। ठीक है। वालिद साहब हमारे 47 में इंडिया से, जब ये क़ायम पाकिस्तान के वक्त 47 में हिजरत करके यहाँ आ गए थे। ठीक है। वो हमारे जो नाना थे उन्होंने हमारे वालिद से ही शर्त लगाई थी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी बेटी पाकिस्तानी शहरियत हासिल नहीं करेगी। अच्छा, वजह क्या थी उसकी? बस उन्हें मोहब्बत बहुत थी मेरी वालदा से। अच्छा अच्छा अच्छा। लिहाजा उसके नतीजे में वालिद ने भी शराफत का सबूत देते हुए कहा कि जब तक आप जिंदा हैं मैं इनको पाकिस्तान नहीं लेकर शहरियत नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है। वैसे तो ले जा सकता, उन्होंने कहा वैसे ले जाओ, 2-3 महीने के लिए रखो वहाँ पर लाहौर और फिर उसके बाद वापस छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो वाक़ा था मेरा वहाँ से आने का। ठीक है। तो मैं 1956 में पैदा हुआ, 4 साल तकरीबन, 5 साल 61 की बात, 61 में। ठीक है। 61 में तकरीबन फिर ये हुआ कि वो नाना की डेथ हो गई। ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब जब वापस इंडिया गए बीवी को मिलने, तो उन्होंने कहा कि मेरी नानी से, अब तो मैं अपनी कसम तोड़ सकता हूँ या ख़त्म कर सकता हूँ, अब मैं अपनी बीवी बच्चे ले जाऊँ। ठीक है। तो नानी ने कहा जैसे आप मुनासिब समझें। उसमें मेरी वालदा मरहूमा ने मुझसे ये कहा कि वालिद साहब से कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे पास भी पीछे पीछे मेरी माँ, बाकी 2 बहनें, 3 ये भी आएंगी। ठीक है। सारा खानदानी शिफ्ट, सारा खानदानी। इस हवाले से हम लोग 1962 में आए थे, 1965 की जंग के फौरन बाद बीच में कुछ अर्से के लिए खुला था रास्ता। अच्छा। उसमें बाकी हमारी फैमिली जो थी, मेरी 3 खालाएँ, मेरी नानी और बस, ये लोग भी पाकिस्तान आ गए थे। बिल्कुल ठीक है। तो लाहौर आके ठहरे, किस शहर में आए? लाहौर आके हम लोग सांदे में रहाइश थी हमारी उस ज़माने में। ठीक है। मैं अभी बच्चा ही था वहाँ पे, वहाँ मैं नर्सरी में दाखिल हो गया था इंडिया में। अच्छा। फिर नर्सरी छोड़ के फिर यहाँ लाहौर आके फिर मैं तो कुछ याद है इंडिया का कि कैसा इलाका था, कैसा इंडिया का? जहाँ तक मुझे इतना याद है कि मुझे अपना पुराना घर की कुछ झलकियाँ सी कुछ झलकियाँ याद हैं। ठीक है। मोहल्ला राजद्वारा, नस पीलू की मस्जिद, वहाँ का पता आज तक बचपन से रखा हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो लाहौर में कैसा बचपन रहा फिर आपका? लाहौर में बचपन बहुत शरारती गुजरा। ठीक है। यहाँ मुझे वालिद ने बड़ी कोशिश की, अच्छी तालीम दिलवाया, अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया इंग्लिश मीडियम में। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में मैंने पहली क्लास से लेके और 4 क्लास तक पढ़ा। ठीक है। 4 जमातें मैंने इंग्लिश में की। उस ज़माने में बचपन था तो आपको पता, बचपन में बच्चे हर चीज़ बड़ी जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे इंग्लिश अच्छी खासी उस पर अबूर हो गया था। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे दाखिल कराया खजाना गेट सामिया हाई स्कूल, खजाना गेट। ठीक है। तो वहाँ जब मेरा पहले दिन टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट में जो अखबार उन्होंने मुझे, रोज़नामा मशरिक़ उस ज़माने का बड़ा अखबार था। अच्छा। वो मुझे दिया कि ये बेटा ये पढ़ो जरा इसकी खबरें। ठीक है। तो मैं इटक इटक के उर्दू पढ़ रहा था। अच्छा। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान टाइम दिया, वो मैंने फरफर पढ़ दिया। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी मेरी ज़िंदगी का एक अच्छा वाक़ा था। फिर उन्होंने खैर मुझे जैसे तैसे वालिद साहब ने कहा कि हम इसकी उर्दू ठीक करवा लेंगे, आप इसे एडमिशन दे दें। ठीक है। इस तरह मेरा इस्लामिया खाल हाई स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन हुआ था। अच्छा। तो फिर एडमिशन कहाँ तक लेते रहे, कहाँ तक पढ़ते रहे? फिर वहाँ से मैट्रिक मैंने किया। फिर 4 साल मुसलसल पढ़ाई हुई, फिर मैं इंग्लिश भूलता गया, फिर उर्दू का। अच्छा, जहाँ तक साफ़ी बनने का ताल्लुक है, लिखने का ताल्लुक, वो मुझे बचपन से था, मैं कहानियाँ बच्चों की लिखा करता था। अच्छा। कब से शुरू किया ये काम? ये तकरीबन यहाँ आके जब थोड़ा सा शुरू हुआ था, 3री-4थी क्लास से मुझे लिखना आ गया था हल्का बहुत। ठीक है। वो मैं लिखा करता था। तो अखबारों तक रसाई कैसे होती थी बच्चों को? अखबारों तक रसाई मैट्रिक के बाद हुई। अच्छा। मैट्रिक के बाद जब मैं 1st ईयर आई काम में आया इस्लामिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। ठीक है। वहाँ मैंने फिर थोड़ा सा शऊर और बुलंद हुआ, फिर मैंने साफियों को भी देखा उठते बैठते। ठीक है। यार इनकी बड़ी अहमियत होती है, बड़ा इनका, उस दौरान में सहाफत थी भी बहुत। तो सहाफत शौक में आए थे कि? शुरू में शौक में आया था। मैंने 7 साल तकरीबन 8 साल शौकिया सहाफत की है। ठीक है। सहाफत शौकिया किस तरह की है कि मतलब मैं
एजुकेशन सहावत मैंने पहले पकड़ी थी। एजुकेशन में मैं मुख्तलिफ कॉलेजों में मुख्तलिफ स्कूल में जाया करता था, ठीक है, और वहाँ से वो रिपोर्ट बना के पूरे हफ्ते की ला के, तो रोज़नामा इमरोज़ में एक सीनियर रिपोर्टर होते थे, वो दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह उनकी मगफ़रत करे, वहीद मिनाज साहब, ठीक है, वहीद मिनाज साहब ने मुझे मौका दिया, ठीक है, क्या तू मुझे एक डायरी दे दिया कर वीकली, वो मैंने देना शुरू की। उसके बाद फिर वहीं पर एक खालिद हाशमी एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, ठीक है, मेरे मोहल्लेदार भी थे, वो कॉमर्स के एडिशन के इंचार्ज थे, ठीक है, उन्होंने मुझसे कॉमर्स का काम करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ पे इमरोज़ में उस ज़माने में 16 रिपोर्टर थे और 16 रिपोर्टर को मैंने कमरों में बिठा दिया था। अच्छा, मैं सब कौन कौन सी बीट की फिर आपने? उसमें मैंने कॉमर्स की एजुकेशन की लेबर की, ठीक है, इवन लीगल जो होती है कानून की वो की, ठीक है। तो शोबिज की तरफ कैसे आना हुआ? फिर उसी ज़माने में चूँकि शोबिज का शौक मेरा ये था कि मुझे, मैं एक बात बता देता हूँ कि मैंने जब थोड़ा सा होश आई तो मुझे म्यूज़िक से बड़ा दिलचस्पी थी, ठीक है, गाने का बहुत शौक था, ठीक है, खासतौर पर मोहम्मद रफ़ी के गाने में बहुत अच्छे गाया करता था, अच्छा, और दूसरा फिल्म बीनी का बड़ा शौक था, ठीक है, फिल्म में बहुत देखा करता था। अच्छा, एक दौर ऐसा आया था मैट्रिक के बाद, हमारे दोस्तों का ग्रुप था 8-10 दोस्तों का, तो हम लोग शर्त लगाया करते थे यार लाहौर में कौन सी ऐसी फिल्म है जो हमने नहीं देखी, वाह 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 वाह, और उसमें हमेशा मैं अव्वल आता था। अच्छा, तो सिनेमा में देखते थे कि VCR पे चलता था उस ज़माने, VCR का नाम भी नहीं किसी को पता था। अच्छा अच्छा अच्छा, सिनेमा में देखा करते थे, जितने सिनेमा उस ज़माने नए नए बनते थे लाहौर में, एक ज़माने में तकरीबन कोई 350 सिनेमा था, पक्के लाहौर हो गए, पक्के लाहौर हो गए, 350 सिनेमा थे लाहौर, 350 सिनेमे थे और एक से एक सिनेमा था। अच्छा, और ज़माने फिल्म इंडस्ट्री भी अपने रूज पे थी लाहौर में। हाँ, लाहौर में, बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं ऐसे वहीद मिनाज साहब को कुछ अर्से के लिए मिली शोबिस, तो उन्होंने कहा यार मेरे पास शोबिस मुझे तो आती नहीं है, तुम लड़के हो, नौजवान हो, चले जाया करो, ठीक है। इस तरीके से मैं शोबिस रिपोर्टर इमरोज़ बन के, तो मैं, अच्छा, ये जो गुफ्तगु आपने छेड़ी बड़ी दिलचस्प है, ये बताइएगा कि उस वक्त उस दौर में जब आपको ठरक लगा फिल्मों का, तो फिल्म में कितने रुपये में देखी जाती थी उस ज़माने में? 30-35 लाख में बेहतरीन फिल्म बन जाती थी, ठीक है, और सोशल फिल्में ज़्यादा बना करती थी, ठीक है, कोई गुनासा, कोई बदमाशी, कोई फिजूलियात नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, और फैमिलीज ओरिएंटेड सिनेमे थे, ठीक है, बाकायदा घर, हर घर में बाकायदा तैयारी से एक फिल्म देखने का प्रोग्राम बनता था। अच्छा, मेरे अपने घर में मेरी फैमिली सारी जिस दिन फिल्म का प्रोग्राम बनता था हम लोग। फिल्म की कॉस्ट कितनी का आती थी, टिकट कितने में मिलती थी उस ज़माने में? टिकट थी गैलरी की टिकट जो थी वो कुछ 4 रुपये की थी। अच्छा, और सबसे आगे वाली टिकट जो थी 12 आने की थी, बिल्कुल 75 पैसे की, उसमें 4 आने वापस मिला करते, 54 हुआ करते थी छोटी छोटी, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने वो दौर भी देखा, ठीक है। फिर उस ज़माने में मेन साइन में हुआ, मेन साइन में होते थे मेट्रो रोड पर, उसके बाद वो फिल्म जो नहीं लगती थी मेट्रो रोड से कुछ ऐसा चलने के बाद, फिर वो भाटी लोहारी में 3 साइन में थे, ठीक है, पैरामाउंट, निगार और मलक थिएटर, उसमें से पैरामाउंट निगार से 2 साइन में अब उनका वजूद ख़त्म हो गया, ठीक है, एक मलक थिएटर साइन में है वो अभी भी है, बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे हम जाके फिल्में देखा था, वहाँ पे गैलरी जो थी 2.5 रुपये की थी। अच्छा, कौन सी फिल्म ऐसी है जो बचपन की अभी तक याद रह गई हो? जो मैंने पहली फिल्म देखी थी काला पानी, अच्छा, सुधीर और शमी महाराज की, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी काला पानी, समझ पूरी काला पानी आज तक भी याद है आपको? हाँ, वो थोड़ी बहुत याद है, उसके गाना एक था अल्लाह मियाँ नीचे आ, दुनिया तो रोटी देती नहीं तू ही रोटी देता जा, वाह वाह वाह, उस ज़माने में शमी महाराज के बचपन का एक सीन था उसमें फिल्माया गया था। कौन सी उस दौर में रोमांस किस हीरोइन या हीरो के साथ हुआ था आपका? उस ज़माने हीरोइन से रोमांस तो मुझे खुद भी नहीं पता था रोमांस क्या होता, मैं तो बस जाता था सेट पे शादी पे, मैं किसी को पसंद आ जाना मिसाल के तौर पे, देखते देखते जैसे लड़कपन के बच्चों को प्यार हो जाता है। उस ज़माने में अदाकारा ज़ेबा, अदाकारा दीबा, मोहम्मद अली, वहीद मिराज, ठीक है, वहीद मिराज का मैं बहुत दीवाना था। अच्छा, वो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, उनके तो मेरा इतने वाक़ात हैं कि मेरा उनसे कोई तारुफ तो था नहीं। एक दिन मैं स्टूडियो एवेन्यू गया तो पता लगा कि वहीद मिराज की फिल्म जाल की शूटिंग हो रही है। अच्छा, तो मैं वहाँ गेट पे खड़ा हो गया, गेट से अंदर जाना कि बड़ा मुश्किल हुआ करती थी, चौकीदार हर एक को जाने नहीं देता था, ठीक है। इतने वहीद मिराज साहब की 4 बजे का वक्त था, गाड़ी आई तो मैं आके उसकी गाड़ी के आ गया, ठीक है, वो झटका लगा, मैं गिर पड़ा। अच्छा, फिर मैंने एक्टिंग की जैसे मैं मतलब बड़ा मिली बड़ा बेहोश चोट लग गई है। अच्छा, वहीद मिराज साहब का ड्राइवर एकदम बाहर निकला, वहीद साहब ने उसे कहा कि उसको गाड़ी में डालो अंदर लेके आओ। अच्छा, मैं अंदर आ गया, वहीद साहब ने अंदर मुझे अपने कमरे में ले गए दफ्तर में। अच्छा, मुझसे कहते हैं आपका नाम, उनका खालिद रहम, कहते हैं आपने क्या हरकत की है, शक्ल से तो आप बड़े अच्छे पढ़े लिखे अच्छी फैमिली के लग रहे हैं। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर आप गाड़ी तेज ना होती या ड्राइवर ब्रेक ना मारता तो आप तो गए थे, ठीक है, और मेरे लिए आप खामखा एक मसला बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं कहा सर मुझे आपसे मिलने का शौक था, कहते मिलने के शौक के और भी तरीके होते हैं आप मुझसे, मैं कहा सर वैसे मैं कई दफ़ा ट्राई किया आपके मिलने की,
कोई ऐसी बात नहीं, यही तरीका सबसे अच्छा लगा था। तो यही तरीका मुझे अच्छा लगा था कि मैं आपकी गाड़ी जाके लेट जाऊँ। बिल्कुल ठीक है। चुनाचे उन्होंने एकदम वो नौकर को बुलाया, अपने नौकर से कहा सेवन की बोतल लाओ, मुझे बोतल शोतल पिलाई, मेरे कपड़े छपड़े झाड़े, अच्छा साफ सुथरे किए। उनसे कहते अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, बताइए आप क्या चाहते हैं। ठीक है। मैंने कहा सर चाहता कुछ नहीं, बस आपसे मिल लिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक दौर था खार साहब के जब देखा जाता था फैमिली की, जो आपने फिल्मों की बात की, गंडासा कल्चर नहीं था, वहीद मुराद और इस तरह की एक लॉर्ड थी रोमांटिक फिल्मों का, रोमांटिक फिल्मों का, और उस दौर का म्यूज़िक आज तक इंडिया चोरी करता नज़र आ रहा है। क्या वजह आप समझते हैं कि वो एक गंडासा कल्चर क्यों आ गया उस इतनी पढ़ी लिखी इंडस्ट्री? हमारी फिल्म इंडस्ट्री 47 में शुरू हुई थी। ठीक है। और 47 इस हालत में शुरू हुई थी कि लाहौर में जितने स्टूडियो थे वो हिंदू जाते वक्त तबाह कर गए थे। ठीक है। मशीनरी कुछ तो साथ ले गए थे, जो रह बची थी वो उसको भी वो ख़राब कर गए थे। ठीक है। तो उस ज़माने में सैयद शौकत हुसैन रिजवी शाहनूर स्टूडियो के मालिक, ठीक है, और एवेन्यू के आगा जिए गुल, ठीक है, और मलक बारी बारी स्टूडियो के मालिक, ठीक है, इन लोगों ने कोई हिम्मत शिम्मत करके तो स्टूडियोज़ को इन्हें अलाट हुए थे वहाँ से। ठीक है। इनकी वहाँ भी जाया थी इंडिया में। अच्छा। जब ये पाकिस्तान शिफ्ट हुए नहीं, ये स्टूडियो अलाट हुए। ठीक है। उस ज़माने में मलका स्टूडियो भी हुआ करता था, मलका पुखराज को अलाट हुआ था। अच्छा। तो ये स्टूडियो जब तैयार हुए तो इसमें फिर काम करने के लिए कुछ जो पाकिस्तान में आए थे इंडिया से, बड़े बड़े नामों डायरेक्टर आए थे, सिप्टैन फजली थे उस ज़माने में, वो थे अताउल्लाह शाह हाशमी थे। ठीक है। बड़े नाम थे, बड़े बड़े नाम थे, ये वो लोग थे जिन्होंने इंडिया में भी काम किया हुआ था। अच्छा। इनके आने से फिर ये हुआ था कि बेहतर फिल्में बनना शुरू हो गई थी, और फिल्म बीनी का शौक सैन में लाहौर में बहुत कम थे उस ज़माने में, 25-30 सैन में थे टोटल। ठीक है। जो आज कई साल गुजरने के बाद आज फिर 25-30 ही रह गए, 25-30 बल्कि 25-30 भी नहीं है, उससे भी कम है अब। अच्छा अच्छा। वो सैनमा की हालत ज़ार पे तो मैं आपके तरफ आता हूँ, लेकिन ये बताइए मुझे कि ये गंडासा कल्चर, मेरा सवाल था कि गंडासा कल्चर का जो जहाँ तक आपने ताल्लुक है, वो हमारे यहाँ एक फिल्म बनी थी वैशी जट। अच्छा। उसको हमारे फिल्म के नामवर डायरेक्टर हसन अस्करी ने बनाया था, जिन्होंने 10 साल बाद ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो बस एक ही दफ़ा एक वैशी जट फिल्म बनाई थी। वो हमारे मारूफ राइटर थे अहमद नदीम कासमी मरहूम। अच्छा। उनके अफसाने गंडासा से वो माखूज थी फिल्म। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया मैंने तो गंडासे का मैं मौजूद नहीं हूँ, हालांकि मौजूद वही थे। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर रईस एक असर एक फिल्म साज आए सरवर भट्टी साहब। ठीक है। उन्होंने सुल्तान राय मरहूम को लेके मौला जट बनाई। बिल्कुल ठीक। मौला जट के बाद फिर सब लोग इस तरह से भी चल पड़े। हमारे यहाँ उस जमाने भीड़ चाली थी, क्योंकि इंडस्ट्री में हमारी बदकस्मृति ये रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। ठीक है। शुरू के जो लोग आए वो पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे थे, उसके बाद सारा गंडासा कल्चर, उसके बाद फिर सारा मतलब जिसके बाद पैसा हुआ वो फिल्म बनाने आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद फिर चल तो चल, फिर वो गंडासा चक्कर चक्कर आया, फिर बदमाशों का आया, फिर गुज्जर बिरादरी आ गई। ठीक है। गुज्जर बिरादरी ने तो ऐसी फिल्में बनाई कि जैसे लगता था कि पाकिस्तान इन्होंने बनाया। बिल्कुल ठीक है। उससे फिर फिल्म बीनी का और फैमिली का मिजाज बदलता चला गया। अच्छा क्या समझते हैं कि ये जो गंडासा कल्चर के बाद या पहली एक क्लास आई जिसने इतना चॉकलेटी हीरो का कर उनको कह दिया। हाँ। गया वहीद मुराद साहब, और उसके बाद से ये एकदम से गंडासा कल्चर आवाम को तो फिर यही समझ आई कि मीडिया जिस तरफ ले कर जाना चाहे वही सामने आ जाता है, लेकिन वो भी पिट गया एक टाइम पर आके। क्या समझते हैं कि इस तमाम अरुज जवाल की जो दास्तान है इसका जुम्मेदार कौन था? राइटर था, डायरेक्टर था, या उस ज़माने में जो हालात जिस ज़माने में ख़राब होना शुरू हुए, तो उस ज़माने में एक तबका पैदा हुआ था जो चरवा फिल्में बनाया करता था। अच्छा। यानी इंडिया की नकल करना है, जवाब में इंडिया भी हमारी फिल्मों के गानों की म्यूजिक की नकल करता था। ठीक है। तो पहला मुजरिम तो वो था। ठीक है। और वो जिन जिन प्रोड्यूसर्स ने शुरू किया था वो प्रोड्यूसर्स थे पहले मुजरिम। ठीक है। उसके बाद चंद डायरेक्टर ऐसे आ गए जिन्होंने अपनी डायरेक्शन को आसान करने के लिए चरवा फिल्में बनाना शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक है। फिर कुछ मौसीकार ऐसे आ गए जिन्होंने ओरिजिनल मौसीकी छोड़ के तो नकली गाने और इस तरह के चरवा गाने शुरू किए। ठीक है। गर्ज ये कि एक वक्त आया कि राइटर्स भी मतलब अपने असल मंजिल से हट गए, डायरेक्टर भी हट गए, प्रोड्यूसर भी हट गए, लिहाजा फिल्म का बुरान शुरू हो गया। चलो मेरे पास एक मिनट है और एक मिनट में आपने सम अप करना है ब्रेक पे जाने से पहले, कि अदाकारी में भी आप आए, अदाकारी में या सिंगिंग में आपके उस्ताद कौन थे? इसका जवाब मैं यूँ दूंगा, एक मौलवी साहब से किसी ने पूछा आप हलवा क्यों खाते हैं? ठीक है। हलवा मतलब आप मौलवी क्यों बने? हलवा खाने कहते हैं हमें हलवा खाने का शौक था, बन गया। ठीक है। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मुझे म्यूज़िक से दिलचस्पी थी। ठीक है। फिल्में मैं बेशुमार देखा करता था, तो मैं जब सैनमे पे वहीद मुराद को देखता था तो मैं कहता यार मैं भी रोमांटिक हीरो बन सकता हूँ। ठीक है। म्यूज़िक एम रिश्दी के गाने सुना करता था, मैं कहता यार मैं इससे अच्छा गा लूँगा। ठीक है। लेकिन मेरे घर वाले जो थे मेरे वालिदैन
उन्होंने मुझे इस तरफ आने से सख्ती से रोका। अच्छा, मेरे वाले साहब जो थे बैंकर थे, ठीक है, उन्हें म्यूजिक से इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं, वो कहते थे पहले पढ़, ठीक है, पढ़ के उसके बाद फिर जो तेरा दिल चाहे करना। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से फिर मैं फिल्म में टी वी पर मेरी अप्रोच हो गई, साफी तो था ही, साफी होने के नाते ताल्लुक बन गया, टी वी पर मैंने ड्रामों की एक्टिंग शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी, राइटर, डायरेक्टर, अदाकार खालिद इब्राहिम खान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी लेता हूँ छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद जब आऊँगा तो इनसे गाने भी सुनेंगे, इसके साथ साथ किस किस फिल्म में और ड्रामे में काम किया वो भी जानेंगे, और किन किन अदाकारों के साथ दोस्ती रही और किस किस लेवल पे जाके उनके साथ उनके मजाक या कैसे ताल्लुकात थे वो सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बातों का सिलसिला जारी है खालिद इब्राहिम खान साहब से। खान साहब, बात चल रही थी गाने की बजाने की, आपने कहा जी कि वो तो शौक़ था, घर वालों की सपोर्ट नहीं थी, वाल काफ़ी सख्त थे, फिर कैसे उन्होंने एंट्री दी कि सहाफ़ी तो बन गए हो चलो। जहाँ तक एंट्री का ताल्लुक है, उसमें एंट्री उन्होंने दी थी, मैंने ही अपनी कोशिशों से, अपनी वाकफियत से, अपनी जद्दोजहद से हासिल की, ठीक है, और इस सिलसिले में मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उस ज़माने के जितने नामवर मौसीकार थे वो तो शागिर्द बनाते नहीं थे नए बंदे को, ठीक है, उनसे बड़े उनकी खिदमतें करनी पड़ती कभी उनको। ज़ाहिर है वो एक टाइम था, अब तो अलहमरा जैसे अदारे हैं जहाँ पे फीस दें और सीख लें, लेकिन वो वहाँ तो तब तो एक रस्म और रवाज पूरे किया करना पड़े थे खान साहबों के, वो जनाब जूते बस वो होता था कि वो 15 साल के लिए जनाब उनकी चिल में भरो, उनके उनकी खिदमतें करो, उन्हें खाने खिलाओ। एक उस्ताद मुझे पहला उस्ताद जो म्यूजिक का मिला था वो एक अंधा मिला था, अच्छा, नबीना था, ठीक है, बशीर हाशमी उसका नाम था, आज तक मुझे याद है, अल्लाह उसकी मगफरत करे, अब तो दुनिया में नहीं रहा। हाँ, उसने मुझे पहली मरतबा बतौर शागिर मेरे घर पे आके मुझे तालीम देना शुरू की, ठीक है, लेकिन वो तालीम इस तरह थी, उस जमाने सस्ता दौर था, वसंतपुर उनकी रिहाई थी लाहौर, तो मैं कृष्णनगर में रहता था, ठीक है, उन्होंने कहा जी मैं तुझी फीस से दे नहीं सकते इस काम की, ठीक है, मैं तुम्हें बस मैं खर्चा आन जान ला दे दिया करो, ठीक है। उस जमाने वसंतपुर से कृष्णनगर रिक्शा का किराया 4 रुपये था, अच्छा, और सस्ता दौर था, ठीक है, तो मैं उन्हें 4 रुपये के बजाय 8 रुपये दिया करता था, 10 रुपये, तो मैंने मुझे घर से, चूंकि मैं लाडला भी था, घर का बड़ा था, तो मेरे पास 100-150 रुपये मुझे महीने पड़ा रहते थे, याशी आपका फुल माहौल होता था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने शौक के मद्देनजर रखते हुए जेब से 200 रुपये निकाले, उनसे मैं कहा ये 200 रुपये आप ले लें एक महीने के पूरे भर के, और जब तक ये आप मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि अब आप आज आएँगे ही नहीं आए, और आप हफ्ते में मुझे 3 दिन आएँगे, ठीक है, कहते मैं हफ्ते में 3 दिन आ सकता हूँ, रोज़ तो नहीं आ सकता, मैं कहा आप 3 दिन आए, ठीक है, चाहे उन्होंने आना शुरू किया, पहले 3 दिन, दूसरे 3 दिन, तीसरे 3 दिन में वो गायब हो गए, अच्छा, फिर वो 3 दिन जो वो 30 दिन में तब्दील हो गए, ठीक है, मुझे बड़ा हैरानी हुई। एक दिन मैंने कहा यार उस्ताद जी मैंने आपको अपनी खून पसीने की कमाई, वो जमाने में कमाई होती है, वालदैन से पैसे मिलते हो तो ईद की माँ पैसे हो गए या मामू आ गए तो वो दे गए, इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो मैंने कहा उस पसीने की कमाई से जिस मैंने पता नहीं 100 जरूरतें रोक कर आपको हायर किया था, अच्छा, और आपने मुझे मतलब इस काम किस काम पर डाल दिया। उन्होंने इस दौरान मुझे एक हारमोनियम भी खरीद के दिया, अच्छा, खरीदवाया, वो हारमोनियम उस जमाने में सस्ता सा था, 120 रुपये का आया था, ठीक है, उस हारमोनियम की भी कहानी है कि वो हारमोनियम जो सिखाया था, एक दिन मैं गाना ऊपर सीख रहा था, कोठे पे 3 मंजिला घर था हमारा, अच्छा, वाले साहब बैंक से जल्दी आ गए, ठीक है, उनसे छुपके छुपके मैं सीख रहा था, ठीक है, वाले साहब को पता, बाजे की आवाज़ आई तो वाले साहब को पता लगा, वो वालदा ने बताया वो ऊपर उसके उस्ताद आए हुए, ठीक है, लिहाजा वाले साहब ऊपर चढ़ गए 3री मंजिल पर हारमोनियम की, उन्होंने आते साथ ही पहले तो अंधे मास्टर साहब जो थे उनको एक जोरदार थप्पड़ रसीद की, ठीक है, वो उनको हमन्ना हो गया, मैं सारे गावा कर रहा था, मेरा हारमोनियम उठाया 3री मंजिल सीधे सड़क पे फेंक दिया, वो हारमोनियम ऐसे हो गया जैसे उसका वजूद ही नहीं था, सारे गामा हो गया वो भी, सारे उसके सारे गामा पादा निशा सब निकल गए, ठीक है, और उसके बाद वो उस्ताद को उन्होंने कहा तू यहाँ से निकल, और आइंदा अगर तू नज़र भी आ गया मुझे तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पहला गाना कौन सा गाया और कहाँ गाया फिर? तो बस गाने तो फिर ये हुआ था उस्ताद से ज़्यादा मैंने फिर सुनना शुरू किया रेडियो को, रेडियो से मैंने गाने सीखने शुरू किए, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी, ठीक है, उस जमाने में तामिल शाह एक इंडिया का प्रोग्राम आता था, एक
रेडियो पाकिस्तान से कमर्शियल सर्विस चलती थी, ठीक है, वहाँ से मैंने रफ़ी किया और अमर रुश्दी मुझे। अच्छा, रेडियो में भी आपने बड़ा काम किया, रेडियो में आप क्या प्रोग्राम? रेडियो में ऐसा हुआ था, रेडियो में मुझे शौक हुआ था ये मेज़बानी का, अच्छा, एंकर पर्सनी का, ठीक है, उसमें मैं एजुकेशन के प्रोग्राम किया करता था, स्टूडियो से मैं बुला के ना टीचर्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स को उनका एक फोरम शुरू, जो डायरी लिखते थे वो फोरम आपने रेडियो पे शुरू, वही हमने फोरम रेडियो पे शुरू कर दिया। इस तरीके से फिर मैंने रेडियो की दास्तान ये है कि रेडियो पे उस ज़माने में रेडियो बड़ा सख्त था और बड़ा अहम था, ठीक है, वहाँ पर बाकायदा आवाज़ का ऑडिशन देना पड़ता था जिसमें तलफ़ आपके बोल चाल का तरीका ये सब चीज़ें देखी जाती थी, ठीक है। मैंने 21 ऑडिशन दिए थे रेडियो में, रेडियो में, अच्छा, तब जाके मुझे उन्होंने ऑडिशन पास किया था, ठीक हो गया। 21 ऑडिशन देने में मुझे 2.5 साल लगे थे, ओए होए, 2.5 साल के बाद जब मुझे रेडियो पर उठना बैठना शुरू हुआ तो फिर मेरा ढाका खुलता चला गया, बिल्कुल। फिर मैंने वहाँ पे ड्रामा प्रोड्यूसर से भी दोस्ती कर ली, फिर मेरा वहाँ पे आने जाना, फिर मैंने कहा मैं ड्रामा करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा इसका भी ऑडिशन होगा, ठीक है। अब वो ऑडिशन भी मैंने देखा, ठीक है, वो तकरीबन 15 ऑडिशन ड्रामे के दिए, अच्छा, लिखा हुआ स्क्रिप्ट देते थे भाई इसको पढ़ो, ठीक है। कभी तो वो अपना कैरेक्टर बताते थे कि ये पढ़ो, कभी मैं नहीं बताते थे, मैं सारे पढ़ लेता था, ठीक है, उसमें मतलब अपना कैरेक्टर भी पढ़ रहा सारा, सारे कैरेक्टर ही, सारे कैरेक्टर पढ़ के, ठीक है, दिलचस्प दास्तान थी, ठीक है। चुनाचे मैंने इस तरह रेडियो पे फिर किया, फिर उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया, फिर ट्रेन हो ही जाता है बंदा, बिल्कुल ठीक है। साफ में भी सफर मेरा आगे बढ़ गया, रोजनामा ब्रोस के आखिरी दिन चल रहे थे, अच्छा, उस जमाने में फील्ड में कहा जाता था साफ्टी फील्ड में कि टाइटैनिक डूब रहा है, अच्छा, ठीक है, टाइटैनिक बड़ा नाम था उस जमाने, अब्दुल कादिर हसन बड़े मारूफ कालम नवीस था, भी उनका अभी भी हाल ही में इंतकाल हुआ उनका, बिल्कुल, उनके पास में बगैर की सिफारिश के चला गया, अच्छा, कादिर हसन साहब मुझे लिखने का शौक है, कहना की ना है तेरा, मैं कहा जी खालिद इब्राहिम, कहता हाँ मैं देखता रहा ना एजुकेशन में रिपोर्टर लिखना, पता नहीं फिल्म वाली में कुछ लिखना, तो की करना चाहता, मैं कहा सर मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए आपके पास लीगली, मुफ्त काम बहुत कर लिया मैंने, 7 बरस हो गए, ठीक है, अब पैसे वाला काम, गल यह कि रोज से पर्ची तो हो नहीं सकती सरकारी तेरी, ठीक है, तो इनका जगह शोभा इश्तारा चाचा, अच्छा, फिल्म वाले इश्तार लाएगा या कोई इश्तार लाएगा, उतने असी तेन कमीशन भी देंगे, तो तेनों असी मोटरसाइकिल का खर्चा 500 रुपये महीना दे दिया करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और पक्की नौकरी नहीं होगी, ठीक है, चाहिए तेन फारक कर देंगे, ठीक है। जवानी थी, जोश था, मैंने कहा सर मुझे मंजूर है, इस तरीके से मैं ऐसे इश्तहारी नुमाइंदा बन के इमरोज में दाखिल हुआ, ठीक है, फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस मजीद आ गया, फिर मैं फिल्मों के इश्तहार लाने शुरू किए, फिर इधर उधर अनारकली के इश्तहार ला के दिए, फिर उससे मेरा कमीशन बन जाता था, तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता बढ़ता चला गया, और फिर बिल्कुल ठीक है। तो टीवी की तरफ कैसे आए? टीवी की तरफ मैं ड्रामे के लिए शायद महमूद नदीम, उस ज़माने में अब रिटायर हो गए, अब सबक MD हैं, अच्छा, उनसे मैंने कहा कि यार मुझे एक्टिंग का शौक है, उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो, मैं कहा जी गाना भी गा सकता हूँ, एक्टिंग भी कर सकता हूँ, तो वहाँ उन्होंने ऑडिशन, आप ऑडिशन दे देंगे, मैं कहा जी बिल्कुल दूंगा, बड़ा कॉन्फिडेंस वो था, तो कहने लगे कि तुम एक गल दस, आपको किसी ने एक लतीफ़ा सुनाया है, वो लतीफ़े पे आप कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से हंस सकते हैं, अच्छा, मैंने कहा सर उसका मतलब, कहते यार तुम आपको लतीफ़ा पसंद आया तब आप कैसे हंसेंगे, नहीं पसंद आया तो कैसे हंसेंगे, या बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो बहुत कैसे खिलखिला आ गया तो कैसे, तो मैंने वहाँ पे 7 मुख्तलिफ तरीक़ों से हंस के दिखाया, अच्छा, जिसमें मुस्कराहट भी थी, टहके भी थे, ठीक है, और उसमें सब कुछ था, तो वो ऑडिशन जब मेरा हो रहा था वहीं पे टीवी के सीनियर आर्टिस्ट जमील फखरी बैठे हुए थे, ठीक है, उस ज़माने में जमील फखरी साहब थे, फारूक ज़मीर हुआ करते थे, वो बैठे थे, ठीक है, शायद ने उन दोनों की तरफ देखा, तो वो जमील फखरी कहता यार है मुंडे जी घटे से गए थे, ठीक है, एंड थोड़ी नहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, कर लो, इस तरीके से शायद नदीम साहब ने मुझे दराज खोली अपनी और एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो ज़माने में नौजवानों को प्रोग्राम कर रहे थे जवां फिकर, अच्छा, उस जवां फिकर में मुझे उन्होंने कास्ट कर लिया, ठीक है, वो जवां फिकर इस नौजवान का प्रोग्राम था, उसमें मुख्तलिफ कॉलेजों के लड़के लड़कियाँ आते थे, गाने वाला गाना गाता था, एक्टिंग वाला एक्टिंग करता था, आपस में हम लोग एक स्क्रिप्ट सा तैयार कर लेते थे, बिल्कुल ठीक है, अपनी अपनी सलाहियतों का इजहार करते थे, ठीक है, वो प्रोग्राम मैंने एक प्रोग्राम किया तो अगले प्रोग्राम के लिए मैं फिर खड़ा हुआ था, ठीक है, शायद नदीम कहते क्यों भाई या तो काम तो अच्छा किया तुमने, लेकिन बस ये बस मैं एक ही प्रोग्राम था, मैंने कहा सर 3 महीने का आपका सेवाई होती है, अगर आप मुझे 3 महीने के लिए दे दें प्रोग्राम तो मैं बहुत आपको मशगूल होऊंगा, ठीक है, कहते अच्छा सोचे थोड़े दो मिनट सोचा, फिर कॉन्ट्रैक्ट निकाला, कहते यार पास दे 3 महीने बाद, ठीक है, इस तरीके से 3 महीने मैंने जवां फिकर प्रोग्राम किया, ठीक है, PTV उस ज़माने में अकेला चैनल था, बिल्कुल, और कोई उस ज़माने में यह हाल था कि उसमें 2 सेकंड के लिए भी अगर आप TV में नजर आए तो पूरे लाहौर में शुरू हो जाते थे, अच्छा, कॉलेज लाइफ में था, फर्स्ट ईयर में था उस ज़माने में,
रात 9 बजे के खबरनामे के बाद बंद भी हो जाता था? बंद भी हो जाता था, 11 बजे बंद हो जाता था। ठीक है। लिहाजा मुझे जब पहला मेरा प्रोग्राम चला पूरी दुनिया में, मतलब पूरे पाकिस्तान से दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सबने देखा। ठीक है। वाले साहब ने नहीं देखा। ठीक है। उन्हें लोगों ने बताया कि भाई आपका बेटा तो टीवी पे एक्टर हो गया है। अच्छा। वाले साहब ने मुझे बुलाया, कहते हुए तू टीवी पे गया था? मैं कहा जी हम पापा वो काम किया था। मैंने जी पापा वो थोड़ा सा उन्होंने ऐसे टेस्ट किया था। अच्छा। वो टेस्ट करके उनका आंदा नहीं जाना। मैं कहीं आंदा उन्हें क्या पता था मैं 4 प्रोग्राम एडवांस रिकॉर्ड कर। ठीक है। लिहाजा वो मैं जनाब नहीं, उनको मैंने मुतमिन कर दिया। ठीक है। इस तरीके से मेरा जवाब फिक्र प्रोग्राम से आगाज़ हुआ। ठीक है। 3 महीने बाद वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर ड्रामे शुरू हो गए, पंजाबी का आई थी कहानी, फिर सीरियल शुरू हो गए उर्दू के। ठीक है। उनके प्रोड्यूसर से मैंने मिला, हेलो आए तो हो जाती है फिर जहाँ किसी इदारे में वाकफियत हो जाती है। फिर उन्होंने मुझे छोटे छोटे किरदार देना शुरू किया। ठीक है। पैसे रेडियो के नस्बत टीवी पे ज़्यादा अच्छे ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है। रेडियो पे आधे घंटे के प्रोग्राम का मुझे 500 रुपये मिलता था। अच्छा। टीवी पे एक एंट्री का मुझे 2000 रुपये मिलता था। बिल्कुल ठीक है। वो उसके बाद फिर टीवी मुंह को लग गया। अच्छा सोचा। ठीक है। तो फिर मुझे दिलदार परवेज भट्टी मरहूम ने, उनका एक प्रोग्राम चलता था स्टेज शो, मेला था पता नहीं क्या था, वो मुझे अक्सर गुनगुनाते हुए देखा करते थे। कहते खालिद वो आप मेरे प्रोग्राम जाके गाना गा। बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा उनके प्रोग्राम में फिर लाल मेरी पत रखी हुई भला झूले लाल। चले आप विजय सुना भी दें हम, जो आप पी टी वी पे गुनगुनाते थे अब हमें सुना भी दें नाजरीन को। पीटीवी में तो तुम्हारे पाकिस्तानी फिल्मों के गाने हुआ करते थे पुराने, अरमान लाल मेरी पत जड़ी है वो तो सुनेंगे ना हम आपसे। तो वो अब सारे गाना तकरीबन अब उम्र के साथ साथ मालूम ही हो गया। कुछ तो गुनगुनाए बोल मैं आपको सुना दूंगा। जैसे जमाने में एक फिल्म आई थी वहीदुल्लाह जेबा की अरमान। अच्छा। अरमान का एक गाना था, उसके वैसे सारे गाने हिट थे लेकिन एक गाना मुझे बड़ा पसंद आया था। अच्छा। उसका एक बोल मैं सुना देता हूँ। जरूर। तुम्हें कैसे बता दूँ तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है मस्ती ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूँ तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। नाज़रीन यहाँ पे दोस्ती क्यों कर दूँ, ये गाना अरमान का नहीं फिल्म दोराहा का था। दोराहा का था। ठीक हो गया। अच्छा खाल साहब आप जिंदा दिल भी बड़े हैं और उर्दू गाने ज़्यादा गाते हैं, फिर ये क्या चक्कर आया कि आपके सामने सामने गुजरावे और पता नहीं किस किस तरह की लैंग्वेज आ गई? हाँ फिर वो पंजाबी तो चूँकि माहौल में रहे यहाँ पे पहले बड़े तो फिर पंजाबी भी आई गई बोलने से, पंजाबी भी दोस्त बन गए, मोहल्लेदारी में भी आई, दोस्तों में भी आई, कॉलेज में भी आई। हाँ कॉलेज के हवाले से एक बात याद करूँ, कॉलेज में मैं बताओ सिंगर हमेशा टॉप पर रहा। अच्छा। ना सिर्फ कॉलेज के फंक्शनों में टॉप पे रहा बल्कि कॉलेज उस जमाने दूसरे कॉलेजों में जाया करते थे लोग, तो वहाँ पे भी मैं जीत के आता था, अवार्ड मैंने बेशुमार जीते। बिल्कुल ठीक है। नहीं आपको ये कल्चर डाइवर्सिटी कैसी लगी कि फिल्म इंडस्ट्री जो एक पढ़ो लिखो की फिल्म इंडस्ट्री थी जहाँ पे गाने उर्दू के गाए जाते थे, यहाँ पे अच्छा चीज़ें होती थी प्रेजेंटेबल, और एक बड़ा ही टू पीस में सूटेड बूटेड हीरो की जगह एक पग वाला और तहबंद वाला हीरो आ गया और उसके इर्द गिर्द एक मुजरा टाइम गाने चल रहे हैं, उसका देख के अफसोस होता था? बहुत दुख होता है। फिल्म इंडस्ट्री आजकल जिस बुरान से दो चार है तो तकरीबन मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। कुछ कोरोना ने हाथ दिखा दिया, कुछ पुराने फिल्म साजों ने गलत फिल्में बना के इसको तबाह कर दिया। सिनेमाओं का ज़्यादा सूरत है। सिनेमाओं के बारे में आपको बताऊँ, एक ज़माना था पाकिस्तान में 350 सिनेमा था जिसमें सबसे ज़्यादा सिनेमे लाहौर और कराची में थे। बिल्कुल ठीक है। अब 350 की जगह लाहौर में 12 सिनेमे हैं, कराची में को 15 सिनेमे रह गए। अच्छा। तो अब कहा यह जा रहा है कि सारी जो फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री है वो सारी शिफ्ट हो ही जा रही है कराची में, क्या वजह है कि लाहौर इतना बड़ा गढ़ इधर अब लोग नहीं अब कराची जा रहे हैं सारे? फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर ऐसा गुजरा है रहमान साहब के पार्टी फंसा के लाना पड़ती थी, फाइनेंसर उसमें हम कहते थे फिल्मी जबान में कहा जाता है, पार्टी फंसा के जाओ। ठीक है। तो गाँव देहातों में जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे उन्हें एक्टर्सों से मिलने का भी शौक होता था, देखने का शौक होता था। ठीक है। वो प्रोड्यूसर बन के मार्केट में आए। अच्छा। उन्होंने कल्चर लाहौर में उस लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री उनकी वजह से सारी चमकी। ठीक है। कराची की फिल्म इंडस्ट्री में भी यही हाल था शुरू में। ठीक है। लेकिन वहाँ कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे भी आए जिन्होंने मतलब बाकायदा फिल्म को आर्ट समझ कर अच्छी फिल्में बनाई। ठीक है। उसमें अदाकारों ने भी उस जमाने फिल्मों में हिस्सा लिया। ठीक है। लाहौर में फिर एक दौर ऐसा आया कि सिनेमा ऑनर ने भी फिल्में बनानी शुरू की। ठीक है। तो इस तरीके से फिल्म का एक सिलसिला रिवाइवल चलता रहा। लेकिन अब क्यों सारी शिफ्ट हो गई है कराची में? अब कराची में इसलिए शिफ्ट हो गई, कराची में जो नए नौजवान पिछले 5-10 साल में जो नए पढ़ लिख के आए हैं बाहर से फिल्म की स्क्रिप्टिंग की। ठीक है। अमेरिका से लंदन से कोर्सेज एजुकेशन करके आए हैं। ठीक है। उन्होंने फिर हिम्मत की है फाइनेंस करने की, वो भी फाइनेंसर बेचारे ढूंढ के लाए, उनके खुद तो उनकी इतनी हंसी नहीं होती थी,
उनकी वजह से उन्होंने फिल्में बनाई, लेकिन उनका चूंकि फिल्म का तजर्बा नहीं था ठीक वो है, फिल्में टैली फिल्में बन के टैली फिल्में बन टीवी ड्रामे बन के रह गए। कुछ बेहतरी आ रही है आपकी नज़र अब? आ तो रही है बेहतरी, लेकिन अब तो चूंकि पिछले एक साल से फिर डूब गया मसला, अब कोई फिल्म ना कराची की है ना कोई लाहौर की है ना कहीं की है। वक्त बड़ा महदूद है खालसा, बातों का सिलसिला आपसे इतना है कि मेरे जहन में अभी भी कोई 50 के सवाल हो रहे हैं, एक सेशन आपसे और करना पड़ेगा। ये बताएं कि दोस्ती किस किस से थी तब आपकी? दोस्ती जनाब मेरी फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे अच्छी दोस्ती रही है वो मेरी दोस्ती अदाकारा बहार बेगम से बहुत अच्छी रही। ठीक है। फिल्म स्टार नगमा बेगम से बहुत अच्छी रही। ठीक है। ये हीरोइनें भी थी अपने ज़माने की और कैरेक्टर रोल में भी आई। ठीक है। उसके अलावा सुल्तान राही मरहूम से मेरा बड़ा अच्छा प्यार था। अच्छा। वहीद मिराज साहब से मेरा बड़ा, अदाकार मोहम्मद अली साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ठीक है। नदीम साहब उनसे मेरा बड़ा अच्छा प्यार था। ठीक है। तो इसके बाद फिर नादरा एक हीरोइन गुजरी है, नीली और नादरा दो लड़कियाँ, उनसे भी बड़ा एक अच्छा है बतौर रिपोर्टर भी और बतौर उसके बाद उनको वहाँ पर भी नस्लें बदलती रही ना। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर रीमा का एक दौर आया, रीमा मदिया शाह इनसे बड़े अच्छे ताल्लुक हो गए थे, मोहम्मद राना से बड़े अच्छे ताल्लुक रहे। ठीक है। शान से बस हेलो हाय रही। ठीक हो गया। खासकर उनके वालिद मरहूम जो थे वो हमारा जब दौर आया तो वालिद मरहूम का दौर ख़त्म हो गया था। ठीक है। डेथ हो गई थी बेचारे की जल्दी। अलबत् उनकी जो बेगम थी शान की वालदा नीलो जी जी उनसे बड़ा प्यार इज्जत माहौल का। वहीद मुराद से लेके आपने शान और मामूर राणा तक को कवर किया, सऊद तक बल्कि सऊद तक को कवर किया, कौन सा बेहतरीन अदाकार लगा आपको अपनी ज़िंदगी में अभी तक? इन अदाकारों में जो किसी हद तक बेहतर लगा वो मोहम्मद राणा ही लगा। ठीक है। और सऊद भी किसी हद तक बेहतर था। ठीक है। लेकिन ये भी वो नदीम वहीद मिराज शाहिद उन जैसा अरूज इनको नहीं मिल सका। ठीक है। क्योंकि इनका जब दौर आया तो कहानियों का दाद बदल गया, एक्शन आ गया, फिर तो दूसरी पंजाबी फिल्में आ गई बेहूदा किस्म की, तो ये लोग भी उसी रंग में रंग गए, ज़ाहिर रोटी तो कमानी थी उन्होंने। सैयद नूर कैसा काम करते रहे हैं? सैयद नूर बतौर राइटर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, बल्कि उससे पहले वो सहाफ़ी थे। ठीक है। कोहिस्तान अखबार एक निकला करता था, वहाँ पर बच्चों का सफ़ा किया करते थे, बच्चों की कहानियाँ लिखा करते थे। अच्छा। वहाँ से तरक्की करते करते वो फिल्म की दुनिया में आए, जो उन्हें हिदायतकारा संगीता ने एक फिल्म सोसाइटी गर्ल पहली बनाई थी बतौर डायरेक्टर, उसको बतौर राइटर पहली मरतबा लिया था। अच्छा। सोसाइटी गर्ल फिल्म हिट हो गई। ये बड़ी यूनिक तो फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है कि जो चीज़ हिट हो जाए फिर उसके बाद पीछे लग जाते हैं। ठीक है। फिर सैयद नूर साहब की गाड़ी चल पड़ी। ठीक है। फिर सैयद नूर अब तक तकरीबन को 300-350 फिल्में लिख डाली हैं। अच्छा। इसी तरह सैयद नूर साहब को भी बुखार चढ़ा कि मैं डायरेक्टर बन जाऊँ। ठीक है। क्योंकि राइटर ज़्यादा अच्छा डायरेक्टर वो समझते हैं बन सकता है, लिखी होती है आप, प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, राइटर भी वही है। लिहाजा उन्होंने जनाब बतौर राइटर फिर डायरेक्शन की पहली फिल्म उन्होंने कसम बनाई थी डायरेक्टर। ठीक है। उसमें उन्होंने इरम हसन को और सलीम शेख को लिया था, जावेद शेख के छोटे भाई। बिल्कुल। उससे फिर उनकी भी गुड़ी चल पड़ी। ठीक है। फिर उसके बाद अब चल सो चल। नाज़रीन इस तरह के बहुत सारे करेक्टर हैं जिनके साथ हम चाहेंगे कि उनकी इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुँचे, इतने बड़े बड़े नाम हैं, उनकी ज़िंदगी का अहवाल क्या रहा, ये भी एक और सेशन करेंगे खालिद इब्राहिम खान साहब से। खान साहब आपने शोबिस गपशप को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी। अभी तो मैं आपको आर्टिस्ट जाते जाते आजाद बता दूं, जो मेरा दौर था जिस ज़माने में नदीम मोहम्मद अली वहीद मिराज हुआ करते थे, नदीम साहब दुनिया के कंजूस तरीन आदमी में शुमार होते थे। अच्छा। चाय की कभी उन्होंने मखल मैंने रवादार नहीं था कोई, उसे 15-20 साल में ताल्लुक है, चाय का एक कप भी नहीं पिया। ठीक है। अदाकार मोहम्मद अली बड़े वसी दिल के खाले। ठीक है। अदाकार मोहम्मद अली वहीद मिराज साहब भी बहुत ज़्यादा इतने खर्चा शाखर भी थे। बिल्कुल ठीक है। बड़े इतिहास से चला करते हैं। नाज़रीन आपने खालिद इब्राहिम खान की दिलचस्प गुफ्तगू जानी, उम्मीद आपको पसंद आएगी। हमें दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।